वसुंधरा अर्थात हम सबकी जननी, जिसके ममतामयी आंचल की छांव ने हमारा जीवन सजाया संवारा व उसका संरक्षण किया, पर इसके सापेक्ष हमने उसे क्या दिया। ऐ मेरे देशवासियों, ऐ विश्व के निवासियों, देखो तो गौर से जरा, दूषित हुआ गगन धरा, हवा में है जहर घुला, जहर घुला, जहर घुला, जहर घुला। नदियां पहाड़ पेड़ों से ये पृथ्वी बांसुरी के सुर नहीं, अजीब सा एक शोर है, पर्यावरण बचा लो, पर्यावरण बचा लो। जहर इसमें फिर भी भर रहे, अकाल मृत्यु मर रहे, पर्यावरण बचा लो, पर्यावरण बचा लो। बचा के बहते जल को रे तुम साफ रख के इसको रे, पर्यावरण बचा लो, पर्यावरण बचा लो। ये सौर पवन वायु है, निसर्ग है, विश्वास है, पर्यावरण बचा लो, पर्यावरण बचा लो। पर्यावरण बचा लो, पर्यावरण बचा लो।
है पृथ्वी का, सारी जनजाति के नाम, सबकी माता है जो जिससे संसार तमाम। पैगाम है पृथ्वी का, सारी जनजाति के नाम, सबकी माता है जो जिससे संसार तमाम। वसुंधरा वसुंधरा वसुंधरा। अमेरिका की मिसिसिपी नामक एक बहुत पुरानी बहती हुई नदी, एक ऐसी नदी जो सब कुछ जानती है, सभी घटनाओं की गवाह है, लेकिन कुछ कहती नहीं, कुछ करती नहीं, बस चुपचाप बहती रहती है। कवि मां समान नदी की गरिमा व सामर्थ्य के समक्ष उस पर अकर्मण्यता का आरोप लगाता प्रतीत होता है, जो दरअसल मानवीय नपुंसकता का परिचायक है। महान रचनाकार पॉल रोबसन के मौलिक काव्य ओ रिवर पर आधारित संगीत गायन व लेखन की त्रिवेणी बहाती बिरादर डॉक्टर भूपेन हजारिका की यह रचना हिंदी के महान कवि पंडित नरेंद्र शर्मा जी के शब्दों में शतस्विनी माँ गंगा से जो सवाल पूछ रही है, मानवीय नपुंसकता के विरोध में अपनी प्रवहमान जलधारा को रोक न सकने वाली शापित माँ गंगा की खामोशी उन्हीं अनगिनत प्रश्नों का उत्तर भी है। विस्तीर्ण पारे অসংখ্য জনরে হাহাকার শুনিও নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বোয়া কিয়। বিস্তার হে অপার প্রজা দোন পার করে হাহাকার নিঃশব্দ সদা, ও গঙ্গা তুম ও গঙ্গা বহতী হো ক্যুঁ। বিস্তার হে অপার প্রজা দোন পার করে হাহাকার নিঃশব্দ সদা, ও গঙ্গা তুম গঙ্গা বহতী হো ক্যুঁ। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को, सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों। विस्तार है अपार प्रजा दोन पार करे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों। जन अक्षरहीन, अनगिन जन खाद्य विहीन, नेत्र विहीन देख मौन हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को, सबल संग्रामी समग्र गामी बनाती नहीं हो क्यों। दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों।
रहे व्यक्ति केंद्रित सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को तोड़ दिन क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों तस्विनी क्यों न रही तुम निश्चय चेतन नहीं प्राणों में प्रेरणा दिन क्यों उन्मद अवनी कुरुक्षेत्र बनी गंगे जननी नव भारत में भीष्म रूपी सुत समर गई जनती नहीं हो क्यों है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। 9 अगस्त 1974 से कार्यरत और आज भारत के एक अग्रणी सांस्कृतिक रचनात्मक व युवा आंदोलन के रूप में लोकप्रिय स्वयंसेवी संस्था युवक बिरादरी भारत मुंबई की ये प्रस्तुति वस्तुतः वसुंधरा संरक्षण हेतु एक संस्कार अभियान है। महात्मा गांधी व गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा दर्शाए गए विचारों व माध्यमों को स्वीकार करते हुए श्री क्रांति शाह के नेतृत्व में ये अभियान देश के विभिन्न क्षेत्रों में सतत जारी है। Oh,
कदर न जानी। सुन प्राणी ये सत्य पुरातन, जीवन जल है, जल से जीवन। उस दाता की भेंट अनुपम, सुख समृद्धि का है साधन। जीवन जल है, जल से जीवन। 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 जीवन जल है, जल से जीवन।
हम में से हर एक इस सुंदर वसुंधरा की एक इकाई है। हमारे आपसी सौहार्द और भाईचारे ने इस पृथ्वी को एक परिवार का रूप दिया है, जिसे कुदरत ने अपनी अकूत संपदा, संरक्षण और पनाह दी है। जीवन की राह पर हर रोज लिखा जा रहा प्रगति का नया आलेख हमें गौरवान्वित भी करता है, परंतु सब कुछ पा लेने की हमारी इस अंधी दौड़ में जाने अनजाने हमारे पांव तले बहुत कुछ रौंदा भी जा रहा है। की चमकती तेज किरण सर सर बहती जाती है पवन, सूरज की चमकती तेज किरण सर सर बहती जाती है पवन, झर झर नदियां सुन हम सबसे ये कहती है, घर घर को जब प्रकाश मिले आंगन आंगन जब रोशनी हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो सुन सुन मानो, तो सुन मानो सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। सिमटेगी दिन में आसानी लाने को, रातों में उजाले भरने को, इन बड़ी बड़ी बाहों वाले पंखों से हवाएं लिपटेगी तेरी सारी सेवा करने को। सुन हम सब से ये कहती है हो, कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। जिस दिन तुझे कहीं इनका प्रयोग जो आ जाए, इनसे भी तू बिजली पाए। सुन हम सब से ये कहती है हो, तो सुन मानो सुन सुन मानो, तो सुन मानो सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। निर्भर हो जाओगे,
हमारी आज की ये जीवन शैली पर्यावरण के असंतुलन को बुलावा दे रही है, जिसे रोकना वर्तमान समय की एक कठिन चुनौती है। असंयमित मौसम व बढ़ती हुई उष्मा के उठते सवालों के बीच ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता को खत्म करने के लिए संपूर्ण मानव जाति द्वारा अपने आचरण में संशोधन और सावधानी की आवश्यकता है। निश्चित ही ऐसा तभी संभव है जब हम जल, ऊर्जा, वायु, ध्वनि, निसर्ग व आंतरिक शुचिता जैसे मुद्दों पर व्यक्तिगत भूल सुधार करें और सामाजिक तौर पर उसके प्रसार की भूमिका अदा करें। आइए युवक बिरादरी भारत के इस वसुंधरा बचाओ अभियान में शरीक हो इस संकल्प के कर्तव्य की शुरुआत हम स्वयं से करें। हम और तुम जहां बारूद बिछा है वहां दिया जलाते हैं, जहां जंगल बसे हैं वहां मैदान बनाते हैं, समुद्र की छाती पर निर्माण कर इठलाते हैं। हम और तुम बादलों को छेड़कर मुस्कुराते हैं, मोड़ते हैं नदियों और झीलों का रुख, पहुंचाते हैं प्रकृति को दुख। इसीलिए तो असंतुलन के मारे कुदरत के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। कहीं बाढ़ आती है तो कहीं भूकंप आते हैं। आइए कम से कम अब हम सब संतुलन का हर उत्सव जतन से करें और शुरुआत इसकी स्वयं से करें। खुदा गवाह है, अल्लाह की नेमत हम हैं, साफ पानी और हवा है तो सलामत हम हैं, नूर जो हम में है कुदरत का है वो नजराना, और हम हैं कि उस कुदरत को करते बेगाना। रूबरू हैं हम हकीकत से पर गुनाह करें, कैसे नादा हैं इश्क नफरत से बेपनाह करें। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, हम बिरादर हैं तेरे, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। फसाद जंग खुरेजी हम मिटाएंगे, साथ मिल आलमी बिरादरी बनाएंगे, अनेकता में एकता है ये बताएंगे, दिलों को जोड़ेंगे यूं दिल से दिल मिलाएंगे, नफरतें दहशतें दुनिया से हम हटाएंगे, एक मजहब है एक राह हम दिखाएंगे, ऐसा करके ही खुशी, खुशी दुनिया में देखो छाएगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। आग हो मिट्टी हो पानी हो आसमां या हवा, धन हमारा है इनकी रक्षा हम करेंगे सदा,
धन हमारा है, इनकी रक्षा हम करेंगे सदा। जहाँ की आबादी अब और न बढ़ने पाए, माला इस खानदान की देखो ना बिखर जाए, माला इस खानदान की देखो ना बिखर जाए। श्रद्धा और प्रेरणा की, श्रद्धा और प्रेरणा की रोशनी लुटाएंगे, श्रद्धा और प्रेरणा की रोशनी लुटाएंगे। महिमा नारी की हर सदी में यार गाएंगे, महिमा नारी की हर सदी में यार गाएंगे। इस इबादत के लिए ही, इस इबादत के लिए ही पाई हमने जिंदगी। प्यारा हर, हाँ प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हम बिरादर हैं तेरे, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हर, हाँ प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। बेटियां हैं तो खिली गुलशन की हर डाली है, उनके होने से अपनी ईद और दिवाली है, उनके होने से अपनी ईद और दिवाली है। चांद है शबनम वो सूरज में छुपी लाली है, वो ही हर नगमा गजल गीत और कवाली है, वो ही हर नगमा गजल गीत और कवाली है। कैसे कातिल है वो, अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हम बिरादर हैं तेरे, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हर, हाँ प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हरकतें अपनी वहशियाना हम दरिंदे हैं, हमसे बेहतर कहीं बेहतर हैं जो परिंदे हैं, हमसे बेहतर कहीं बेहतर हैं जो परिंदे हैं। बचा कर पानी प्यास धरती की बुझाएंगे, स्वच्छ और सुंदर हरी मांग हम सजाएंगे, स्वच्छ और सुंदर हरी मांग हम सजाएंगे। सुलभ हो सबको, सुलभ हो सबको ऐसा ध्यान में लाना होगा, सुलभ हो सबको ऐसा ध्यान में लाना होगा। स्वच्छ घर हर गली हर मोड़ बनाना होगा, स्वच्छ घर हर गली हर मोड़ बनाना होगा। कसम खाओ, कसम खाओ अब कभी बाहर ना होगी गंदगी। प्यारा हर, हाँ प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी। हम बिरादर हैं तेरे, हम बिरादर हैं तेरे, तेरी खुशी मेरी बंदगी। प्यारा हर, हाँ प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी, प्यारा हर इंसान यारा प्यार अपनी जिंदगी।
इस विराट सृष्टि व उसकी गोद में फलती फूलती मानवीय सभ्यता के गर्भ में समाये जननी भाव का क्षय वस्तुतः रचना व रचयिता का अंत है। इस सच को जानने के बावजूद इससे आंखें मूंदे सृष्टा का दंभ भरने वाला पुरुष समाज सदियों से रचना का बीज धारण करने वाली नारी के अस्तित्व का लोप करता रहा है। संयम, सदाचार व सहनशीलता की मर्यादाओं से आबद्ध नारी के अकूत सामर्थ्य को अनदेखा करते हुए पौरुषीय मांसल्य ताकतों ने उसे चार दीवारी को जोड़ते दरवाजों की दहलीज के भीतर कैद रखा। सामाजिक सरोकारों से दूर ये जननी सर्वथा एक सेज संगिनी व भोग्या के रूप में अबला की संज्ञा से नवाजी गई। पुरुष द्वारा खींची गई जीवन रेखा के भीतर रहकर उनके मुताबिक जीने को मजबूर इस स्त्री सामर्थ्य को इस व्यवस्था से बाहर निकलने व आर्थिक स्वातंत्र के साथ स्वाभिमानी तेवर अर्जित करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रूढ़िवादी परंपराओं को ध्वस्त करते हुए आज उसने समाज में अपनी समानांतर सत्ता का आविष्कार स्वयं किया है जो स्तुत्य है। नारी को अबला कहना अपमान है नारी जाति का। नारी बिना अधूरा है नर, जो दीपक बिन बाती का। शक्ति की यश गाथा है, नारी शक्ति की यश गाथा है, सदियों युगों पुरानी, अगली सदी भी दोहराएगी गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। नारी शक्ति की यश गाथा है, सदियों युगों पुरानी, अगली सदी भी दोहराएगी गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। त्याग बुद्धि बलिदान व साहस दया व ममता जिसमें, क्या वर्णन हो नारी गुणों का, प्रेम व समता जिसमें। नारी जननी कोख से इसकी जन्माए संसार, नारी का हर रूप है प्यारा नारी विश्व श्रृंगार। माता पत्नी बेटी बहन के रूप में नारी साथ निभाए, नारी का सम्मान करो सब नारी जग की शान बढ़ाए। शान तो नारी की हर युग में, शान तो नारी की हर युग में, युग इतिहास ने मानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी, गौरव भरी कहानी। आर्थिक मजबूरी के भ्रम के साय में वैज्ञानिक संसाधनों का दुरुपयोग करने वाली संकुचित मानवीय मानसिकता द्वारा कन्या भ्रूण हत्या का अक्षम्य अपराध वर्तमान व भविष्य में मानव प्रजाति के अस्तित्व पर ही एक यक्ष प्रश्न खड़ा कर रहा है। कन्या के रूप में ममता, करुणा व जननी का गला घोंटती ये प्रवृत्ति मानव समाज को असंतुलन की एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जहां सिर्फ संवेदनहीन शून्यता के अतिरिक्त और कुछ न होगा। सृष्टि सत्य के खिलाफ उठी इन चीखों के आर्तनाद से परिचय कराती ये मार्मिक रचना
अजन्मिका समाज प्रबोधन की दिशा में युवक बिरादरी का एक संवेदनशील प्रयास है। बाबुल के मन में, बाबुल
मुझको